समीउल्ला आपका क्या है? 1 3 हाँ हाँ स्टार से लिखा पाक कर्ज डॉट इनियन सो गो मैं लोग सो रिकॉर्ड्स कर Jones man. Thank you.
एक और के खिताम पर नूनू स्टार्स 0-0। टॉस जीत कर पहले नूनू स्टार्स ने बैटिंग करने का फैसला लिया। मैच 16-16 ओवर्स का है, तो क्रीज पर अभी मूसा बेनजीर और भट्ट अर्शिद खेल रहे हैं। पहला ओवर आमिर अफजल ने मैडिन फेंका, तो दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं आबिद गुल। बॉलर नेम आबिद गुल। तो अब स्ट्राइक पे होंगे अर्शिद, सामना करेंगे आबिद गुल का। ओवरकास्ट कंडीशंस है आज, बारिश की वजह से मैच डिले हुआ था। अब 16 आवर्स का मैच होगा। मैच कश्मीर हावर्ड जूनिमर सीसी और नूनू स्टार्स के बीच हो रहा है। दोनों ने अपना पहला मुकाबला जीता था। कश्मीर हावर्ड ने अपना पहला मुकाबला जीता था और नूनू स्टार्स ने कंवल एलबीएससीसी से पहला मुकाबला जीता था। डिफेंड किया था वो स्कोर। इन्होंने 123 रन का टारगेट दिया था कंवल एलबीएससीसी को और इन्होंने वो डिफेंड किया। तो आज भी इन्होंने पहले टॉस जीत कर बल्लेबाजी की। अर्शिद तैयार नहीं थे इसीलिए पीछे हटे, लेकिन आबिद गुल ने गेंद की और विकेटों पे दे मारा। आबिद गुल गेंद करेंगे अर्शिद को, मारना चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे कीपर के दस्तानों में। ये गेंद किसी भी रन का इजाफा नहीं। आबिद गुल मायनाज क्रिकेटर है, जम्मू एंड कश्मीर के हर किसी लीग में पार्ट लेते हैं। अपना पहला मुकाबला JKPL में खेल रहे हैं। स्ट्रोक खेला पॉइंट की जानिब, एक रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। आबिद गुल गेंद करेंगे मूसा बेनजीर को, हवा में ही स्ट्रोक, उमर मलिक इसके नीचे, हैदर अली भी और उमर मलिक ने कैच, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ लिया उमर मलिक ने। और कमल नूनू स्टार्स को पहला झटका लगता हुआ मूसा बेनजीर के रूप में। बहुत ही अच्छा कैच, सुंदर कैच लिया था। Groundsman is requested to report to the referee. मारना चाहते थे इस गेंद को मूसा बेनजीर, लेकिन मिस कर बैठे। हवा में थी गेंद और दो फील्डर इसके नीचे थे, हैदर अली और उमर मलिक, लेकिन लास्ट में उमर मलिक ने कॉल करके बहुत ही अच्छा सा कैच पकड़ लिया और नूनू स्टार्स को पहला झटका। अब बैटिंग करने के लिए आए शाहिद बिलाल।
अर्शद ने बाहर निकलकर उठाकर मारा पॉइंट की जानिब चार रन। मेरे अफजल इनिंग का तीसरा ओवर लेकर आ रहे और अपना दूसरा सामना करेंगे शाहिद बिलाल। आमिर अफजल डिफेंसिव स्ट्रोक, रन लेने का मौका, रन आउट का एक रन, रन आउट का चांस था लेकिन बहुत तेज थे शाहिद बिलाल यहां पे और अपना रन पूरा किया। नूनू स्टार्स 12 एक विकेट के नुकसान पर, मूसा बेनजीर का विकेट खोया नूनू स्टार्स ने। मूसा बेनजीर ने 7 गेंदे पकड़कर कोई भी रन नहीं की। आमिर अफजल ने पहला ओवर मेडन किया था, अब अर्शद सामना करेंगे आमिर अफजल का। अर्शद लेग साइड की जानिब खेला, एक रन बनाने का मौका था, दोनों बैट्समैन ने एक रन। बाउंसर गेंद टक किया इसमें, किसी भी रन का इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। आमिर अफजल ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, पहला ओवर मेडन फेंका था तो अभी तक दूसरे ओवर में 3 गेंद में 2 रन खर्च किए। जूनिमर सीसी में आज एक दो चेंज थी, जहूर सोफीन
टीम के कप्तान वो भी आज प्लेइंग 11 में नहीं है और मंजूर पांडव भी आज प्लेइंग 11 में नहीं है। बैट करना चाहते थे इस बॉल को थर्ड मैन की जानिब, एज लगी विकेट कीपर के दस्तानों में एक बाउंस के बाद। आमिर अफजल ने पिछले मैच में भी बहुत ही बढ़िया उम्दा गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी अभी तक बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। शाहिद बिलाल सामना करेंगे, डिफेंसिव स्ट्रोक, रन बनाने का मौका, दोनों बैट्समैन ने एक दूसरे की कॉल पे रन ली और किसी भी आमिर अफजल पिशावर की आखिरी गेंद करने के लिए सामना करेंगे अर्शिद, मिड ऑफ की जानिब स्ट्रोक खेला, इसमें एक रन बनाने का मौका और And after 3 overs, the score is 15 for the loss of 1 wicket. गेंदबाजी में तब्दीली समीउल्लाह, इनिंग का चौथा ओवर करने के लिए आए, सामना करेंगे अर्शिद जो अभी तक 13 रन बना के खेल रहे 7 गेंदों में और शाहिद बिलाल 2 रन 4 गेंदों में। ओवरकास्ट कंडीशंस है, आज बारिश हुई थी, बारिश की वजह से ये मैच 16 ओवर्स का है। दोनों टीमों के पास ये दूसरा मैच जीतने का मौका है, दोनों टीमों ने अपना पहला मैच जीता था। समीउल्लाह को आज टीम में मौका मिला था जहूर सोफी की जगह पे और टीम में और एक चेंज आबिद गुल जो मंजूर पांडव की जगह खेल रहे हैं। समीउल्लाह अर्शिद ने लेग साइड की जानिब खेला, एक रन लेने का मौका और दोनों बैट्समैन ने एक रन कंप्लीट किया। शाहिद बिलाल सामना करेंगे समीउल्लाह का। एक रन लेने का मौका बैट्समैन के पास और स्कोर पहुंचा 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड मैन फाइनल की जानिब खेला, वहां पे शारिफ शफात की बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक रन बनाने का मौका था, स्कोर पहुंचा 18 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 3.3 आवर्स। Good job, guys.
अभी तक तीन गेंदों में तीन रन खर्च किए समीउल्लाह ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। शाहिद बिलाल कट करना चाहते थे लेकिन चूक गए। शायद गेंद हवा में, लेकिन फील्डर दूर थे इस गेंद से। एक रन बनाने का मौका बैट्समैन के पास, तो स्कोर में इजाफा 19 रन एक विकेट के नुकसान पे नूनो स्टार्स। समीउल्लाह इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जा रहे हैं, सामना करेंगे अर्शिद। अर्शिद बाहर निकलकर नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल और थर्ड मैन की जानिब चार रन। स्कोर पहुंचा 24 और जो अगली गेंद होगी वो होगी फ्री हिट 24। अर्शिद सामना करेंगे समीउल्लाह का, मारना चाहते थे लेकिन गेंद बाहर थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी, इसमें फ्री हिट थी लेकिन इसमें किसी भी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 24 चार ओवर के इख्तिताम पर। आफ्टर 4 ओवर्स द स्कोर इज 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जोनी मर्सीसी की तरह से आज उसैद कप्तानी कर रहे हैं, जहूर सोफी की जगह आज ये टीम की कमान संभाल रहे हैं। आमिर अफजल अपना तीसरा ओवर लेकर जा रहे और टीम का पांचवा ओवर। अभी तक 2 ओवर्स में एक ओवर मैडिन था और 4 रन खर्च किए हैं आमिर अफजल ने। आमिर अफजल ने अभी तक बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की, सामना करेंगे शाहिद बिलाल। अच्छी गेंद बीट किया आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी बीट किया यहाँ पे शाहिद बिलाल को, किसी भी रन का इजाफा नहीं। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कश्मीर हावर्ड जूनीमर सीसी की जाने। शाहिद बिलाल सामना करेंगे आमिर अफजल का। एक डिफेंसिव स्ट्रोक बैक टू द बॉलर, किसी भी रन का इजाफा नहीं। फुल शॉट फाइन लेग की जानिब 4 रन। फाइन लेग फील्डर के पास कोई मौका नहीं था ये गेंद रोकने के लिए।
तो स्कोर में इजाफा, 4 रन का स्कोर पहुंचा 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। शाहिद बिलाल का निजी स्कोर 8 रन 10 गेंदों में और अर्शिद का 19 11 गेंदों में। शाहिद बिलाल का एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे फील्डर चौके बॉल 4 रन्स। साबित खान थे फील्डर लॉन्ग ऑफ की जानिब लेकिन बॉल को रोक नहीं सके और 4 रन्स का इजाफा। शाहिद बिलाल ने एक उमदा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑफ की जानिब। पॉइंट की जानिब खेला था इस गेंद को फील्डर शब्बीर मौलवी वहां पे थे बॉल को रोका किसी भी रन का इजाफा नहीं। अभी तक नूनू स्टार्स का स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और डिफेंसिव स्ट्रोक पॉइंट की जानी वहां पे फील्डर मौजूद रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना कर किया किसी भी रन का इजाफा नहीं। स्कोर 32 1 विकेट के नुकसान पर। तो मैं बताना चाहता हूं ये मैच 16 ओवर्स का है तो पावर प्ले 5 ओवर्स का रहेगा। आफ्टर 5 ओवर्स द स्कोर इज 32 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जूनी मरसीसी की जानिब जो आज प्लेइंग 11 में है उनमें उमर मलिक, शब्बीर मौलवी, सुहेल मीर, मोमिन, शारिफ शफात, हैदर अली, आबिद गुल, साबित खान, समीउल्ला और टीम के कप्तान उसैद शेख। समीउल्ला गेंदबाजी करने के लिए आए सामना करेंगे अर्शिद जो अभी तक 19 रन पर खेल रहे हैं। बाहर निकल कर मारना चाहते थे डीप स्क्वायर लेग की जानिब खेला वहां पे आबिद गुल मौजूद 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर पहुंचा 33 1 विकेट के नुकसान पर। समीउल्ला का सामना करेंगे शाहिद बिलाल जो 12 रन थर्ड मैन की जानिब खेला वहां पे फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से गेंद 4 रन। मौका था वहां पे सुहेल मीर को कैच लेने का लेकिन उनके सर के ऊपर से ये गेंद गई और स्कोर में 4 रन का इजाफा। शाहिद बिलाल 16 रन पे खेल रहे हैं। अंपायर का इशारा ये छक्का है चेक कर रहे थे अंपायर तो
स्कोर में 6 रन का इजाफा। महंगे साबित हो रहे हैं समीउल्लाह। शाहिद बिलाल बहुत ही अच्छी गेंद थी, इनसाइड एज लगा और आउट। शाहिद बिलाल बोल्ड हुए, मारना चाहते थे इसको कवर्स के ऊपर से, लेकिन इनसाइड एज लगा और बोल्ड हुए शाहिद बिलाल। शाहिद बिलाल इस गेंद को कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे, चूक गए और न्यू स्टार्स को दूसरा झटका लगता हुआ शाहिद बिलाल के रूप में। अगले बैट्समैन जमशेद आ रहे हैं, जमशेद नसीम एक लोकल खिलाड़ी है मल्लाबाग के, अच्छा खेलते हैं। न्यू बैट्समैन जमशेद नसीम अब साथ देंगे अर्शिद को। टीम के 12वें खिलाड़ी अर्शिद पानी लेकर आ रहे थे अर्शिद को। आज मौका नहीं मिला इनको, ये भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, लोकल खिलाड़ी है, लेकिन आज कैप्टन ने इनको मौका नहीं दिया। जमशेद सामना करेंगे समीउल्लाह का। इन्होंने अभी तक 1.3 ओवर्स में 16 रन देकर 1 विकेट बीट किया जमशेद को, किसी भी रन का इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 5.4 ओवर्स। एक यंग टीम है जूनीमर, कश्मीर हावर्ड जूनीमर सीसी की। 1-2 खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं जो एक्सपीरियंसड है, अदरवाइज एक यंग टीम है। कट करना चाहते थे, बीट हुए। थर्ड मैन की जानिब गाइड किया, वहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन बनाने का मौका था बैट्समैन के पास, तो स्कोर पहुंचा 40 2 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद। After 6 ओवर्स, स्कोर इज 40 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बॉलिंग में चेंज, अब शारिफ शफात 7वां ओवर करेंगे, सामना करेंगे जमशेद, जिन्होंने 1 रन की 3 बॉलें फेस करके, और बट अर्शिद जो 20 रन पे है 12 गेंदों पे, जिन्होंने 20 रन किए। बॉलर नेम शारिफ शफात। शारिफ शफात अच्छी गेंदबाज है, जेकेसी अंडर 19 रिप्रेजेंट किया है। सामना करेंगे जमशेद। शॉट के मारना चाहते थे लेग साइड की जानिब, लेकिन मिस कर बैठे, किसी भी रन का इजाफा नहीं। पहली गेंद थी, पहला मुकाबला खेल रहे हैं शारिफ शफात जेकेपीएल में। पहले मैच में इनको मौका नहीं मिला था,
आज मौका मिला है कट करना चाहते थे, स्लोवर गेंद थी, चूक के जमशेद यहां पे। जमशेद पॉइंट की जानिब खेला, वहां पे फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना किया और एक डॉट बॉल। इस ओवर में 3 डॉट बॉल्स, जमशेद 1 रन पे खेल रहे, 6 बॉलों का फेस किया जमशेद ने। अच्छी गेंदबाजी शारिफ के द्वारा। थर्ड मैन की जानिब गाइड किया, वहां पे फील्डर मौजूद, जब तक वो गेंद कीपर के पास फेंकते 1 रन लेने का मौका था। तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचा 41 2 विकेट के नुकसान पे नूनो स्टार्स। एक लोकल टीम है नूनो स्टार्स की। अर्शिद खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे, थर्ड मैन की जानिब इसको खेलना चाहते थे, मिस कर बैठे, किसी भी रन का इजाफा नहीं। नूनो स्टार्स लोकल टीम है, इसमें कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर नहीं है, ना कोई जूनियर प्लेयर इनमें खेल रहा है, लोकल टीम है। पहला मुकाबला जीता था, पुल किया या डीप स्क्वायर लेग की जानिब और 6 रन। अच्छी बैटिंग करते हुए अर्शिद अभी तक 14 गेंदों का सामना किया, 26 रन, उसमें 2 छक्के भी मारे। अच्छा ओवर था अभी तक, खाली 1 रन खर्च किया था 5 गेंदों में, लेकिन आखिरी गेंद पर अर्शिद का बहुत ही अच्छा छक्का डीप स्क्वायर लेग की जानिब। तो स्कोर पहुंचा 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट After 7 hours. After 7 hours, the score is 47 for the loss of 2 wickets. Ab gendbazi karenge team ke kaptan Usaid Sheikh. Bowler name Usaid Sheikh. सामना करेंगे जमशेद, जो अभी तक 2 रन पे खेल रहे, 7 गेंदों का सामना किया जमशेद ने। ऑफ स्पिनर है उसैद, बैक टू द बॉलर खेला, किसी भी रन का इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 47 2 विकेट के नुकसान पर नूनो स्टार्स। एक शॉर्ट गेंद कट किया, वहां पे 4 रन, डी पॉइंट की जानिब खेला, वहां पे फील्डर शब्बीर थे, उनके सिर के ऊपर से ये गेंद चली गई 4 रन। शॉर्ट गेंद थी और एक शॉर्ट बॉल एज लगा कीपर के सिर के ऊपर से, अंपायर का इशारा 4 रन। शॉर्ट गेंदबाजी करते हुए उसैद, एक ऑफ स्पिनर है लेकिन तेज शॉट बॉले करते हुए यहां पे जमशेद को, और उन्होंने 2 गेंदों पे 2 चौके मारे उसैद को। एक ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला, 1 रन बनाने का मौका और स्कोर पहुंचा 55 2 विकेट के नुकसान पर। अर्शिद सामना करते हुए कट शॉट खेला, उमर मलिक वहां पे मौजूद लेकिन बॉल मिस कर बैठे, मिस फील्ड, 4 रन।
बॉल पे पहुंचे थे लेकिन बॉल रोक नहीं पाए और मिसफील्ड, इस आउटफील्ड में मिसफील्ड नहीं होना चाहिए, कत्ल के बराबर है इस आउटफील्ड में कोई बॉल मिस करना। एक अच्छा आउटफील्ड है यहाँ पे, एक रन बनाने का मौका था अर्शिद को, एक रन बनाया लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की जानिब, स्कोर पहुंचा 61 दो विकेट के नुकसान पर। After 8 overs, the score is 61 for the loss of 2 wickets. Sharif Shafat अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं, टीम का नवा ओवर। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए, अच्छा ओवर था लेकिन लास्ट बॉल में छक्का खाया था अर्शिद ने, डीप स्क्वायर लेग की जानिब एक बड़ा छक्का मारा था। अर्शिद सामना करेंगे शारिफ शफात का, मारना चाहते थे इस गेंद को लेग साइड की जानिब, मिस कर बैठे, कीपर के दस्तानों में ये गेंद, किसी भी रन का इजाफा नहीं। अर्शिद 31 रन पे खेल रहे हैं, पुल शॉट, एक शॉर्ट बॉल थी फाइन लेग की जानिब, इसको खेला अंपायर का इशारा, 4 रन। शॉर्ट बॉल करना चाहते थे शारिफ लेकिन अच्छा स्ट्रोक खेला अर्शिद ने, डी फाइन लेग की जानिब, 4 रन, स्कोर पहुंचा 65 दो विकेट के नुकसान पर। नूनो स्टार्स कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे शारिफ, धकेलना चाहते थे पीछे अर्शिद को, लेकिन अर्शिद वहां पे चुस्त थे, बैक लॉन्ग ऑन की जानिब, एक रन बनाने का मौका, चुस्त थे अर्शिद वहां पे, पीछे गए, देखा कि शॉर्ट बॉल है, उसको डीप फाइन लेग की जानिब धकेला और 4 रन मिले थे अर्शिद को। बाहर निकल कर खेलना चाहते थे जमशेद लेकिन टूट गए, अभी तक उस लाइन में जमशेद नहीं दिखे, खाली वो 2 चौके जो उसैद की 2 गेंदों पे इन्होंने मारे थे, अच्छी बॉल्स नहीं थी वो, दोनों शॉर्ट बॉल्स थी, उसके अलावा जमशेद अभी तक उस लाइन में नहीं दिख रहे हैं जिस लाइन के लिए वो जाने जाते हैं, माने जाते हैं। एक अच्छी गेंद, गाइड करना चाहते थे इसको थर्ड मैन की जाने, मिस कर बैठे, बेसी गेंद थी, किसी भी रन का इजाफा नहीं। जमशेद एक अच्छा शॉट डीप पॉइंट की जाने, 6 रन, वहां पे फील्डर थे लेकिन उनके सर के ऊपर से ये गेंद चली गई, 6 रन। ये एक पहला स्ट्रोक है जमशेद के बल्ले से निकलता हुआ जिसमें कंट्रोल था और डीप पॉइंट की जानिब 6 रन। After 9 overs, the score is 72 for the loss of 2 wickets. जा जा ठीक है। नूनो स्टार्स 72 for the loss of 2 wickets. एक बॉलिंग चेंज शब्बीर गेंद करने के लिए आए, बॉलर नेम शब्बीर, सामना करेंगे अर्शिद जो अभी तक 36 रन बना के नाबाद है 19 गेंदों में। अर्शिद बाहर निकल कर खेलना चाहते थे इस गेंद को, मिस किया, डॉट बॉल,
मीडियम पेसर है शब्बीर, उतनी पेस नहीं है, बाहर निकलकर खेलना चाहते थे अर्शिद, लेकिन मिस कर बैठे। शब्बीर मौलवी दिल स्कोप लगाना चाहते थे इस गेंद को, मिस कर बैठे। एक वाइड गेंद, कीपर के पास भी मौका नहीं। चार रन, पांच रन इस बॉल पे, वाइड फोर, स्कोर पहुंचा 77 दो विकेट के नुकसान पे। दो गेंदें अच्छी की थी, लेकिन ये डाउन द लेग और पांच रन का इजाफा इस गेंद में। हवा में गेंद, फील्डर इसके नीचे, शब्बीर मौलवी ने कॉल किया और आउट। अर्शिद थर्टी सिक्स रन बनाकर आउट हुए, शिकार हुए शब्बीर मौलवी का। इस गेंद को कवर्स की जानिब मारना चाहते थे, लेकिन चूक गए, बॉल थोड़ी सी धीमी आई और अपना विकेट गवा बैठे अर्शिद। टीम का स्कोर 77 तीन विकेट के नुकसान पर। बैट्समैन अगले बैट्समैन बिलाल रथर, जो सामना करेंगे शब्बीर का। बैट्समैन नेम बिलाल। कैश ड्रॉप किया जमशेद का, पॉइंट पे उमर मलिक थे। पहली बॉल थी बिलाल, मारना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन चूक गए, डॉट बॉल, स्कोर 78-3। जबरदस्त गेंद, आफ्टर 10 ओवर्स द स्कोर इज 78 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। शारिफ शफात 11वां ओवर लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे जमशेद। कवर्स की जानिब खेला, एक रन लेने का मौका था। Thank you.
Hold. Right side attack. बहुत बढ़िया चारे, बहुत बढ़िया चार। ठीक है चारे। कट करना चाहते थे यहाँ पे लेकिन चूक गए, किसी भी रन का इजाफा नहीं। बिलाल इस ओवर में एक अच्छा स्ट्रोक खेला था। बाहर निकल कर खेलना चाहते थे, एज लगा थर्ड मैन की जानिब, अंपायर का इशारा चार रन। यही करने के लिए बिलाल को भेजा है न्यू स्टार्स के कप्तान ने क्रीज पे, कि वो आए और हर किसी गेंद पर अपना बैट घुमाए। अभी तक इन्होंने 7 गेंदें खेली, 8 रन बनाए। शब्बीर मौलवी अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। जमशेद शॉट खेला, शब्बीर मौलवी गेंद के नीचे कैच किया, सिमिलर डिसमिसल जैसे कि अर्शीद आउट हुए थे, वो भी उठा के मारना चाहते थे गेंद को लेकिन चूक गए। सिमिलर टाइप ऑफ डिसमिसल जो कि अर्शीद और नोनो स्टार्स को चौथा झटका। नईम क्रीज पर आए, पहले मैच में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी नईम ने। अब साथ देंगे बिलाल रोथर का। बैट्समैन नेम नईम, शब्बीर मौलवी ने अच्छी गेंदबाजी की, 6 रन दिए है अभी तक, 2 विकेट्स, उसमें एक 5 रन जो वॉइड के हुए थे, उसके बगैर बैट्समैन अभी तक इनको मार नहीं सके इनकी गेंदों पर। सामना करेंगे बिलाल रोथर, मारना चाहते थे इस गेंद को लेकिन चूक गए। क्या बोला था, क्रैम्प किया यहाँ पे बैट्समैन को, रन लेने का मौका था 1 रन।
स्कोर पहुंच गया 88 चार विकेट के नुकसान पे। नहीं सामना करेंगे शब्बीर मौलवी का 88 पे 4 नो स्टार्स। एज लगा थर्ड मैन की जानिब, अंपायर का इशारा 4 रन। कवर्स की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बाहरी किनारा लिया, एक मोटा सा किनारा लगा गेंद थर्ड मैन की जानिब 4 रन। एक अच्छे प्लेयर है नईम, और एक एज कीपर के सिर के ऊपर से और एक चौका, कट करना चाहते थे इस गेंद में लेकिन बाहरी किनारा 4 रन। दोनों गेंदों में नईम चूक गए थे लेकिन लक ने इनका साथ दिया और दोनों गेंदों पर 2 चौके। और की जानिब शॉट खेला हैदर अली, वहां पे मौजूद, रन लेने का मौका नहीं, डॉट बॉल। After completion of 12 overs, the score is 96 for the loss of 4 wickets. 96 for the loss of 4 wickets. समीउल्लाह गेंदबाजी करने के लिए आए, पहले 2 ओवर्स में 17 रन देकर 1 विकेट हासिल किया है समीउल्लाह ने। सामना करेंगे बिलाल रफ जो 8 रन पर खेल रहे हैं। निकल कर मारना चाहते थे इसको लेकिन बॉल थोड़ी सी लो रही, किसी भी रन का इजाफा नहीं। जो गेंद आती है उसको मारना चाहते हैं बिलाल, बॉल भी नहीं देख रहे हैं, खाली ऐसे ही मारना चाहते हैं। अभी तक 10 गेंदे खेली है, 8 रन बनाए हैं बिलाल ने। एक अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद, पता है गेंदबाज को कि बिलाल खाली मारना चाहते हैं एक स्लोअर गेंद और चौके बिलाल, और एक डॉट। तारीफ करनी पड़ेगी समीउल्लाह की गेंदबाज की, पता है इनको कि बस खाली मार रहे हैं बिलाल। एक अच्छी स्लोवर गेंद, बाहर निकल कर फिर से मारना चाहते थे बिलाल, चौक गए, और एक डॉट बॉल। नहीं समझाते हुए बिलाल को कि कैसे खेलना है। मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, जिस को भी प्रॉब्लम हो रही है कमेंट्री, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड कमेंट्रेटर्स नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, जिस को भी प्रॉब्लम हो रही है वो अपना फोन बंद करे,
वो हमें ना सुने, जिस जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पे आए, हम उनको एड्रेस देंगे, वो भी यहाँ पे कमेंट्री करे, फिर देखे कि ये जॉब कैसा होता है। घर में बैठकर सारे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमेंट्री करना एक अलग ही फन है, एक अलग ही जॉब है। After 13 overs, the score is 101 for 4. कबीर मौलवी ने अभी तक अपने 2 ओवर्स में 15 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। यहाँ पे पांचवा झटका नूनू स्टार्स को नईम के रूप में, स्कोर बढ़ता हुआ 102। बहुत ही उम्दा बॉलिंग कश्मीर हावर्ड जूनिमर क्रिकेट क्लब के द्वारा। बैटिंग के लिए आए हैं रूफ, ये साथ देंगे बिलाल रतर का। और यहाँ पे फिर से पेच दिया है वापस डगआउट में पहली बॉल पे बिलाल, सॉरी रूफ को। इसी के साथ स्कोर 102 6 विकेट के नुकसान पे। नूनू स्टार्स को छट्टा झटका लगा। रूफ बैट्समैन ने मुदस्सिर
और यहाँ पे थर्ड मैन की जानिब चार रन, स्कोर 106 छह विकेट के नुकसान पर। मुदस्सर पहली बॉल में चार रन, इनका साथ दे रहे हैं बिलाल रतर जिन्होंने 10 रन किए 13 बॉलों में। कबीर अपनी पांचवी बॉल लेके अंपायर को क्रॉस किया, खेलने की कोशिश की थी लेकिन फील्डर मौजूद और यहां पे आउट, अंपायर का इशारा आउट। दोनों स्टार्स को सातवां झटका लगते हुए बिलाल रोथर के रूप में। हिटिंग के लिए लाया गया था बिलाल रोथर को, स्कोर 106 सात विकेट के नुकसान पे। अंपायर बैट्समैन ने मीर सलीम आए हैं बैटिंग करने के लिए, टीम के कप्तान है ये। ये सामना करेंगे शब्बीर मौलवी की बॉल का जिन्होंने 4 विकेट लेके 19 रन दिए हैं, स्कोर 106 सात विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल शब्बीर मौलवी अंपायर को क्रॉस किया, शब्बीर मौलवी ने हिट किया और 6 रन। माफ करें, मीर सलीम ने ये After 14 overs, the score is 112 for the loss of 7 wickets. स्कोर 112 सात विकेट के नुकसान पर 14 ओवरों के बाद, महज दो ओवर बचे हैं। शब्बीर मौलवी गेम चेंजर ऑफ द मैच भी बन सकते हैं, जो स्पॉन्सर किया है हमें अपीयरेंस बाय हुक्ड। जैसा इन्होंने मैच का पासा पलट लिया इस ग्राउंड में, अपने 3 ओवर्स में 25 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, वैसे ही ये अपीयरेंस बाय हुक में जा सकते हैं और अपना मेक ओवर करवा सकते हैं। जी हाँ, तो स्कोर बढ़ता हुआ 116 सात विकेट के नुकसान पर। हमारे दूसरे स्पॉन्सर रिनिक्स जो स्पॉन्सर करते हैं हमें सुपर सिक्सेस का, यहाँ पे दूसरा रन लेने में कामयाब।
बहुत ही अच्छी रनिंग मीर सलीम और मुदस्सर के द्वारा, जो सुपर सिक्सेस अवार्ड जो स्पॉन्सर करते हैं हमें वो है रूनिक्स, जिसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है एंड्रॉयड वन हबक। आप उस शॉप में जा सकते हैं और वहाँ पे जो अभी डील्स चल रही है उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो हमारा किट स्पॉन्सर है वो खान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, और यहाँ पे हिट किया फील्डर मौजूद और नाकामयाब, चार रन्स मीर सलीम के बल्ले के द्वारा। और जो हमारे और स्पॉन्सर्स है उसमें INS। जी हाँ, तो स्पॉन्सर्स की बात करें तो हमारे स्पॉन्सर्स पेप्सी है। ये देखिए एक बेहतरीन शॉट, मुदस्सर अब्बास बल्ले के द्वारा। जी हाँ, तो स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था मैं, हमारे स्पॉन्सर पेप्सी है, जिन्होंने हमारे इस आउटफील्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा डगआउट बना के दिया है। आप देख सकते हैं हम बहुत शुक्रगुजार है पेप्सी का और हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने इस लीग का बहुत ख्याल रखा है। ये देखिए यहाँ पे वापस फील्ड की तरफ मीर सलीम खेल रहे हैं 6 रन्स पे और मुदस्सर अब्बास 15 रनों पे। स्कोर 123 7 विकेट के नुकसान पर। After 15 overs, the score is 123 for the loss of 7 wickets. इसी के साथ 15 ओवर समाप्त और 123 7 विकेट के नुकसान पर। आबिद गुल आए हैं लास्ट ओवर इस इनिंग का करने, उनका सामना करेंगे मुदस्सर अब्बास। हमारे मीडिया पार्टनर 93.5 रेड FM और अंपायर का इशारा आउट। 8वां झटका लगा नूनू स्टार्स को मीर सलीम के रूप में। इसी के साथ स्कोर 123 8 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया जूनिमर क्रिकेट क्लब के प्लेयर्स ने। यहाँ तो स्पॉन्सर्स की बात कर रहा था मैं, हम अपने वेन्यू पार्टनर का भी शुक्रगुजार है ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का, इतना बेहतरीन आउटफील्ड दिया है हमें।
आबिद गुल आए अपनी तीसरी बॉल करने, सामना करेंगे मुदस्सिर। और यहाँ करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब, बॉल सीधा कीपर के हाथों में। मुदस्सिर 15 रनों पे खेल रहे हैं, अपनी पांचवी बॉल लेके आबिद आए, हिट करना चाहा फिर से लेकिन 4 रन्स, अंपायर का इशारा बाय 4 रन्स। स्कोर बढ़ता हुआ 128 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी बॉल आबिद गुल हिट किया 6 रन्स। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट मुदस्सिर अब्बास। इसी के साथ पहली इनिंग समाप्त हुई और स्कोर 134 8 विकेट के नुकसान पर। कश्मीर हावर्ड जूनिमर सीसी को चाहिए 135 रन 16 ओवरों में। पहली इनिंग की समाप्ति, हम आपसे मिलेंगे दूसरी इनिंग में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।